बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ राम जन्मभूमि पत्थर, जो कि इसका अपडेट देने के लिए मैं आई हूँ। बहुत लोग मेरे वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि आप राम जन्मभूमि पत्थर का अपडेट दीजिए, तो उसी का अपडेट देने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। और जो लोग मेरे वीडियो में नए हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए आज का अपडेट देती हूँ मैं राम जन्मभूमि पत्थर का। मेरे वीडियो में आप लोग तब तक बने रहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सनसेट किस प्रकार से निकला हुआ है, और ये सनसेट जो है वो राम मंदिर के पास से ही निकला हुआ है। तो यहाँ की खूबसूरती कितनी ज़्यादा बढ़ रही है इस सनसेट की वजह से। शाम होते ही ये सनसेट यहाँ पे बहुत ही प्यारा लगता है। और इस राम जन्मभूमि पथ को बनाने में जो खर्चा आया है वो 39 करोड़ रुपये खर्च आया है। तो 39 करोड़ रुपये इस राम जन्मभूमि पथ को बनाने में लग गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे कर लिया गया था। सारे पत्थर यहाँ पे लग गए थे राम जन्मभूमि पथ पर, और इस तरह से डिज़ाइन भी यहाँ पर बनाई गई हुई थी। लेकिन ये मैं आपको अब दिखा दे रही हूँ कि ये देखिए यहाँ पे किस तरह से पत्थरों को तोड़ दिया गया है बीच में से। और ये क्यों तोड़ा गया है अभी तक ये चीज़ पता नहीं है मुझे, और मैं जानने की कोशिश करूँगी यहाँ पर कि ये तो क्यों तोड़ा गया है। और यहाँ पर कुछ लोग जो बाहर से आए हुए हैं वो पत्थरों को ऐसे सीरियल वाइज रख रहे हैं। आप लोग को अगर बचपन में याद होगा तो बहुत से लोग खेला करते थे ईंट रख के, तो वही चीज़ मुझे लग रही है। लेकिन यहाँ पे आप क्या सोच के ये लोग रख रहे हैं मुझे नहीं पता इसका आइडिया। लेकिन आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से पत्थरों को तोड़ दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए। और मैं अभी आगे चल के आप लोग को दिखाती हूँ। और ये आप लोग देख सकते हो इधर भी बन रहा है, और मुझे लग रहा है ये रोड टाइप में कुछ बन रहा है। और ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे डेवलप हो रही हैं। और मोबाइल अलाउ नहीं है, मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं ले जा सकती कैमरा। और वो क्रेन जो देख रहे हो उधर बन रहा है राम मंदिर, और ये है अमावा राम मंदिर। तो सीधा ये रास्ता गया हुआ है राम मंदिर के लिए। थोड़ा सा मैं पास में आपको दिखाती हूँ। ये वहाँ से लोग दर्शन करके आ रहे हैं। अभी मैं पूछती हूँ इन लोगों से कि ये लोग ईंट को ऐसे सीरियल वाइज क्यों रख रहे हैं। और आप लोग इधर भी देख सकते हो किस प्रकार से ईंट सीरियल वाइज रखे गए हैं यहाँ पर। और इधर से लोग दर्शन करके आते हैं। आंटी ये पत्थर सीरियल वाइज क्यों रख रहे हैं ऐसे? पता नहीं क्यों, हम लोग भी देखे तो हम लोग भी बनाने। अच्छा आप लोग देखे तो इसलिए करने लगे हैं। हाँ सभी लोगों ने बनाया तो है, वही मैं पूछ रही थी कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये लोग जो है वो पत्थर को जो सीरियल वाइज रख रहे हैं उन लोग को देख देख के ये लोग ऐसे करते जा रहे हैं। तो किसी एक ने रखा होगा, फिर उनको देखकर उन्होंने रखा, फिर ऐसे क्या हुआ ये सिलसिला चलता चला आया। तो वही देख देख के ये लोग रखते जा रहे हैं, लेकिन इनको भी नहीं पता कि ये क्यों रख रहे हैं।
और अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सामने यहाँ पर भी सारी सुविधाएं दी गई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर भी बीच बीच में से तोड़ दिया गया है और यहाँ भी पत्थर भी सीरियल वाइज रखे गए हैं। तो राम जन्मभूमि पथ जो है वो दोनों साइड को छोड़कर बीच बीच में ये जो पत्थर हैं वो तोड़ दिया गया है। लेकिन कितना नुकसान हुआ है आप ये भी सोच सकते हो, कितना पैसा लगकर ये बना था और उसके बाद भी ये तोड़ दिया गया। तो डिसीजन पहले ले लेना चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज़ें बनेंगी क्या चीज़ें नहीं बनेंगी। लेकिन चलिए, जो भी इन लोग का है वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ का सारा चीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ये सीटिंग चेयर यहाँ पे नहीं लगी हुई थी, लेकिन ये आप लोग देख सकते हैं कि पत्थरों से किस प्रकार यहाँ पे सीटिंग चेयर लगाई गई हुई है। तो यहाँ पे नई नई चीज़ें हो ही रही हैं, आप राम जन्मभूमि पथ का अपडेट देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पे ये चीज़ें लग गई हैं और पत्थर से ये चेयर बनाई गई हुई है यहाँ पे बैठने के लिए। तो ऐसे लाइन वाइज ये पत्थर बनाए गए हैं बैठने के लिए और ये रोड भी कंप्लीट हो रहा है, डावर यहाँ पे एक साइड में पड़ चुका है। और ये लाइन से बीच बीच में जो है वो पत्थर तोड़ दिए गए हैं। और जो आप लोग देख रहे हो ना, ऐसे ही रंगोली यहाँ पर सेम यहाँ पर भी बनाई गई हुई थी, लेकिन ये बीच बीच में क्यों तोड़ा गया है अभी मैं पूछ कर आप लोग को बताती हूँ। तो आप लोग ये पत्थर देख सकते हो, इसी पत्थर का जो है वो सीटिंग चेयर बनाई जा रही है यहाँ पर। ये देखिए, ये है सीटिंग चेयर और यही पत्थर जो है वो वहाँ पर लग के इस तरह से सीटिंग चेयर बनती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि शाम का टाइम हो चुका है और लाइटें जो है वो किस प्रकार से यहाँ पे जल रही हैं और धनुषाकार इसे लाइट बोलते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और अयोध्या में आपको हर जगह पे, चाहे वो राम पथ हुआ, राम जन्मभूमि पथ हुआ, राम मंदिर हुआ, या फिर आपको ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ अयोध्या का, तो कोई भी चीज़ है तो आपको कॉमन सा ये लाइट आपको हर जगह पे ये दिखने को मिल जाएगी, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अभी ये चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ कैमरे को। और ये देखिए, धनुषाकार लाइट है और उसके बीच में जो है अयोध्या लिखा हुआ है। तो आप लोग जान सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। तो अभी मैंने यहाँ पर एक भैया से पूछा जो कि यहाँ पे गाड़ी करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों तोड़ा जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बीच में जो है वो टेंट टाइप में बनेगा कि लोगों को छांव थोड़ा सा मिल सके, धूप धूप में जो लोग आते हैं उनके लिए ये चीज़ें रहेंगी। जैसे धूप धूप रहती है तो श्रद्धालुओं को थोड़ी परेशानी होगी, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पत्थरों को जो है वो तोड़ दिया गया है। और तोड़ने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा तंबू टाइप में, टेंट टाइप में ये यहाँ पे बनेगा बैठने के लिए, जिससे लोगों को थोड़ा सा छांव मिल सके, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें तोड़ी गई हैं। मैं आपको बता दूं कि इस राम जन्मभूमि पथ की जो ये लंबाई है, ये 566 मीटर इसकी लंबाई है इस राम जन्मभूमि पथ की। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पैदल चलने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं और यहाँ पे ऑटो हुआ, फोर व्हीलर हुआ, बाइक हुआ, तो उन सब चीज़ों के लिए ये क्या नाम है रोड बनाया गया हुआ है यहाँ पर चलने के लिए। और आप लोग जो ये पत्थर देख रहे हो, इसे पिंक सैड स्टोन कहते हैं और यही पिंक सैड स्टोन जो है ये राम जन्मभूमि पथ पर लगा हुआ है। और ये है सुग्रीव किला जो कि देख रहे हो आप लोग। ये इसका गेट है, जब मेरे पिछले वीडियो में जब मैंने आप लोग को दिखाया था तो नहीं बना था, ओनली यहाँ पे ऐसे ही स्ट्रक्चर टाइप में बना था। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर बन चुकी है सुग्रीव किला की। तो मैं आपको यहाँ का डिज़ाइन भी थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ इस गेट का। तो आप लोग देख सकते हैं ये सारी जो डिज़ाइन है वो राम मंदिर के अकॉर्डिंग ही बनेगा, सारा मंदिर को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर को उसी टाइप का तो ये बनेगा। तो आप लोग ये गेट भी देख सकते हो, ये बन रहा है यहाँ पर।
तो मेरे पास कुछ पुरानी तस्वीरें थी, जब ये राम जन्मभूमि पथ अभी बन रहा था तो तभी की ये तस्वीरें हैं। उसके बाद फिर ये तोड़ दिया गया है, तो आप लोग समझ सकते हो किस प्रकार से ये तोड़ा गया है। उसके बाद ये फिर बनाया गया था, फिर ये तोड़ा गया है और अब जा रहा है बनने वो तंबू टाइप में, जिससे लोगों को छांव थोड़ा सा मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हो रही हैं। तो आज मैंने आपको राम जन्मभूमि पथ का अपडेट दे दिया है और आगे भी मैं आपको राम जन्मभूमि पथ का अपडेट देती रहूँगी। और आज का वीडियो यहीं तक, और हाँ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे नए नए वीडियो आप तक लाती रहूँ। और बहुत ही जल्द मेरा मन की होने वाला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।